हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो वैकेंसी आई हुई है 69,000 प्राइमरी की, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस कैसा है। बिना सिलेबस को देखे अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेबस के दायरे में बंधे होते हैं और उसी को देख के तैयारी करना चाहिए। क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से बाहर जाते हैं, जैसे टीटी में आया था, एक करंट का क्वेश्चन आ गया था जो पर्यावरण के पेपर में, जिसपे विवाद हो गया था। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें पूरे सिलेबस को, और फिर इसका जो मैंने विश्लेषण किया है इसको ध्यान से सुने, और इसी के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो अधिक से अधिक नंबर आप इसमें पा सकते हैं। केवल एक महीने बचे हैं एग्ज़ाम के, तो इसलिए जो है आप लोग अब इसको ध्यान से देखें और इसको समझें कि सिलेबस में क्या क्या है और हमें इसकी तैयारी कैसे कैसे करनी है। जो जो पार्ट कुछ लोगों का ऐसा होता है, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो अगर इंग्लिश में इतना टाइम देता है जितने वो नंबर की ही नहीं है, तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी तो पीछे हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ आती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है। अब वो क्या करेंगे, अगर मैथ को पढ़ने में पूरा अपना समय लगा देंगे या मैथ का वो पार्ट पढ़ लें जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं अक्सर, और कम समय में वो तैयार हो जाते हैं, तो पूरा समय जो है आप उस पर बर्बाद ना करें। क्योंकि एक महीने में कोई मैथ जल्दी से नहीं सीख सकता है। हाँ, कुछ चैप्टर वो बहुत अच्छे से सीख सकता है, तो उतना ही करें और नंबर का औसत लेके चलें कि हमारे 120 के आसपास नंबर इसमें आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे आपको जो है सिलेबस है और क्या क्या इसका जो है कैसे आपको उसको देखना है। देखिए, जो ये आपका अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें परीक्षा का समय 2.5 घंटे का है और प्रश्न जो है आपके 150 हैं, और ये ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 150 का पूर्णांक भी है, यानी एक प्रश्न एक नंबर का है। ठीक है, अभी बता रहे हैं हमें कि जो हमारा पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड कितना होगा, वो किस तरह के किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें लिखा जो भाषा है हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं जो सामाजिक अध्ययन जो भी आएगा वो कक्षा 12 के स्तर तक का पूछा जाएगा। ठीक है, कक्षा 12 का स्तर बहुत कम नहीं होता है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विज्ञान का बहुत अच्छा लेवल होता है, इसलिए इसको ये ना सोचें कि क्लास 12 तक का ही लेवल का है और हम तो BA BSc करके बैठे हैं और TT और BTC करके बैठे हैं, इसलिए फोकस करें। ठीक है, दूसरा है कि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, ठीक है, जो आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये आपका DLED पाठ्यक्रम स्तर का है, यानी जो आप लोगों ने पढ़ा है वो BEd में है आपका, और BTC में जो आपने पढ़ा है, ये उस लेवल का प्रश्न आपको इसमें आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें डिटेल कैसा है और कैसा इन्होंने जो है इसको किया हुआ है। तो देखिए, पाठ्यक्रम में पहले जो है आपका भाषा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें तीनों के जो आपका व्याकरण का पार्ट है वो पूछा जाएगा, व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है, अशुद्धियाँ हैं उनको पूछेंगे, एवं अपठित गद्यांश देंगे और पद्यांश भी देंगे, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर जो है क्वेश्चन है उस पर वो बना करके पूछते हैं, जैसा कि विगत परीक्षाओं में आपने देखा भी होगा। तो इन पैराग्राफ और पदांश में ये होता है कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है बहुत, और फिर उसका दिया उत्तर आपको उसमें रहना होता है, लेकिन ये आसान होता है अकॉर्डिंग टू व्याकरण के। ठीक है, लेकिन इसका नंबर अगर आप देखेंगे तो ये 40 अंक का है। ये पोर्शन सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला आपको है, इस पर आपको फोकस करना है, चूँकि ये 40 नंबर का है। विज्ञान में अब आते हैं, विज्ञान में देखिए जो पूछा जाता है ना वो जनरली ऐसा होता है कि जो हमें दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना जो चीज़ें होती हैं उनको रिलेट करके वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं जो उस विषय विशेषज्ञता को दर्शाता हो, बल्कि उसका यूटिलाइज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से ही जो इसमें पूछेंगे। और दैनिक विज्ञान में आप देखिए सामान्य जो चीज़ें हैं, ध्वनि है, प्रकाश है, ऊर्जा है, गतिज बल है, जीवों का दुनिया है, स्वास्थ्य है आपका, पोषण के जो संबंधित होते हैं, पर्यावरण, प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, पेट्रोल है, ये है, डीजल है, इनका कोयला है, इनके जो है पदार्थ और उनके अवस्थाएँ क्या है,
ठीक है, मतलब एक सामान्य ओवरव्यू जो है वो आपको पूछा गया है, तो इसमें आप जो, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये 10 नंबर का है, केवल 10 नंबर का, यानी ये नॉर्मल है, इसे आप पढ़ सकते हैं और 10 नंबर में 8-9 नंबर आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत वैसी टेक्निकलिटी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ये आप लोगों का देखा होता है। अब दूसरा आता है आपका गणित का, ये पोर्शन खासकर आर्ट्स साइड वालों के लिए अक्सर डरावना होता है, क्योंकि मैथ का सिलेबस ज़्यादा होता है और उस हिसाब से देखिए मार्क्स जो है हमारे पास केवल 20 ही हैं, यानी अगर इस पे आप 15 दिन दे दें तब भी कम होता है, ठीक है, और मार्क्स केवल आपको 20 ही मिलेंगे अगर पूरा समय देते हैं तो। जिसकी मेरी सलाह है, जिसकी गणित कमज़ोर है, ठीक है, वो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टरों को पकड़े, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या पढ़ लें, और उसका वीडियो भी मैंने बनाया है वो बता दूंगा, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे उनकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि उनको कवर करने के लिए आपको पूरा पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मालूम पड़ेगा कि जहाँ से आपको अच्छा नंबर मिल सकता था वो ना करके आपने ये जो है प्रश्न करने में पूरा समय गंवा दिया। इसलिए जिनकी गणित अच्छी है उन्हें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो है क्वेश्चन का इस तरह थोड़ा हार्ड रहा था पिछली बार भी और हार्ड ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। इसमें पूरा पूरा सिलेबस जो है इसमें दिया हुआ है, अंकीय क्षमता, गणित संक्रियाएं, दशमलव स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड भी है, एक एक नियम भी है, सामान्य बीज गणित भी पूरी है, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, यानी स्टैटिक भी पूछी गई, यानी लगभग लगभग गणित का ओवरऑल उन्होंने सब कुछ टच किया है और केवल 20 नंबर के लिए, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में हमें क्या देखें क्या छोड़ें, ठीक है, देखिए इसमें जनरली ये भूगोल ही है अगर आप देखें तो, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट जो है अंत में जुड़ा होता है एक आपका पर्यावरण का, जो आप साइंस पढ़ लेते हैं तो पर्यावरण कवर हो जाता है, इसलिए इसको मिला के देखें साइंस से। इसमें जो है आपका भूगोल है जिसमें आपकी नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, जीव, प्राकृतिक संपदा, स्थान, देशांतर, सौरमंडल, हमारा जो है भारतीय जो भूगोल है, अच्छा इसमें एक चीज़ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये देखिए इतिहास का पार्ट है, ठीक है, इतिहास में आप पूरा इतिहास ना पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इतिहास को अगर आप पूरी दोहराते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, अगर ढंग से पढ़ते हैं तो 20 दिन ले लेता है, सरसरी निगाह से भी पढ़ेंगे तो 10 दिन आपका लेगा, लेकिन इन एक हफ्ते में अगर आपको पढ़ना है तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको डाल दूंगा, तो ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे सब्सक्राइबर की बटन बनी हुई है उस पर क्लिक कर लीजिए तो जितने वीडियो मेरे हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जो भी नया मैं डालूंगा वो आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप इसको पढ़ लें। इसमें कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं वही अधिकतर आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भारतीय समाज सुधारक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गांधी जी हैं, इनके बारे में, विवेकानंद है, इसके बारे में इसमें आएगा, ठीक है, और भारतीय संविधान भी इसमें पूछा है आपका, भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा जब से वो बनाया गया और जब लागू हुआ उसमें खास कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछता है, उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, बाकी है तो ये बहुत लंबा, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि हमें केवल 10 नंबर में ही सारा कुछ कवर कर रहा है, यानी किसी में 2 क्वेश्चन पूछेगा, किसी में 1 क्वेश्चन पूछेगा, अब जब 2 से क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि आप उसको पूरा 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ करके 10 दिन दे दें, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको मिलेगा आगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको आप एक बार पढ़ लें, उम्मीद है कि पूरा उसी से आ जाएगा, ऐसा उम्मीद, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ उसमें कवर किया हुआ है। हमारी शासन व्यवस्था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्ट है, ठीक है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, ये जनरल चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं, एक बार अगर आप देखेंगे मैं बता दूंगा अपने अगले वीडियो में कौन कौन सी किताब से आपको देखना है, ये मिल जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ, ठीक है, इकोनॉमिक का पार्ट है लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा, और हमारी संस्कृति और विरासत, जो भी हमारा है संस्कृति हमारी है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण संरक्षण है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है, जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, भूकंप वगैरह है, बाढ़ वगैरह है, ये उसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन ये देखिए कि ये क्वेश्चन सब इतना सारा सिलेबस, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और हिस्ट्री भी है,
ठीक है, और इन्वायरमेंटल भी है और इकोनॉमिक्स भी है, इन सबको मिला के उसने केवल 10 नंबर देना है। अब आप, मैं आपको अगले वीडियो में जो मैंने बनाया है कि तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि 120 नंबर से ऊपर आपके चले जाएं आराम से, उसमें मैंने बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन छोड़ देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा महीना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें तो परामर्श वाचक अध्ययन में हो गया। अब आपका जो है शिक्षण कौशल का जो प्रश्न है, ये भी 10 नंबर का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 नंबर का है, लेकिन इन्होंने बाल में मनोविज्ञान को अलग कर दिया है और 10 नंबर को उसे कर दिया है। अब देखिए कि इन 20 नंबरों में, 10 नंबरों में कैसे आपको 8, 8, 9, 9 नंबर मिल जाएं, क्योंकि अगर 8 नंबर आप नहीं लाते हैं, आप जानते हैं इसके प्रश्न बहुत गलत होते हैं लोगों से, और अगर इसमें 8, 8 नंबर नहीं लाएंगे तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे, उसका रीज़न भी है, 7, 8 नंबर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि इस बार बीएड शामिल है, बीटीसी है, शिक्षा मित्र हैं, और शिक्षा मित्र ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं कुछ, 2 सालों में उन्होंने खूब पढ़ लिया है और मजबूत स्थिति में है, और उनका जो वेटेज अगर मिला, शायद मिलेगा ही मिलेगा 25 नंबर का, तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर नंबर की कीमत है। तो आप इसको देखिए, इसमें जो मूलतः जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, शिक्षण की विधियाँ कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं शासन, इस पर भी मेरा डिफरेंट वीडियो बना हुआ है, इसको भी मैं डालूंगा, आप सब्सक्राइब कर लें, आपको मिल जाएगा। तो इस पर आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा वीडियो का। तो इसमें जो मूल मूल चैप्टर हैं जितने भी, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहे हैं वर्तमान में हैं, और जो पिछले हमारे एग्ज़ाम हुए टीटी उसमें क्वेश्चन बने हैं, तो वो कहाँ कहाँ से उठाता है मैं आपको वहाँ उसको बता दूंगा। ठीक, और ये अब देखिए अब आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता पहचान, पढ़ने के वातावरण का सृजन करना, सीखने का सिद्धांत जो है थर्ड एक्ट वगैरह के, आप लोग सब भी पढ़े हैं, देखे हैं, उसको जानते भी हैं, और दिव्यांग छात्रों की विशेष व्यवस्था। ठीक है, इस बाल मनोविज्ञान में आपको शिक्षण कौशल से ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत टिपिकल नहीं है, बस शर्तें उतनी अच्छे से ढंग से बताई नहीं गई, पढ़ी नहीं गई है, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपका ये नंबर जो है इसमें अगर ऊपर वाले में 7 भी आता है, इसमें 8 आ जाता है, तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, ऐसा ना करें कि 3 आए 5 आए 4 आए, जैसा कि टीटी में लोगों के आए हैं अधिकतर, कि मालूम पड़ा कि 30 क्वेश्चन में उन्हें जो है 20 क्वेश्चन भी मिलना मुश्किल हो गया है, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 15 मिले हुए हैं, जो कि आधे से भी कम पे आधे लोग अटके हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मैं बताऊंगा कहाँ से आपको कितना कितना पढ़ना है, वो मेरा अगला वीडियो बना है स्ट्रेटजी के लिए, तो मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेबस में कौन कौन सी किताब से कितना कितना आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आपका अधिक से अधिक नंबर का हो जाए। मैं पहले बता रहा हूँ कि 10 में से हमें 8, 9 नंबर लाने के लिए, 1, 2 नंबर लाने के लिए हमें अगर आधा सिलेबस पढ़ना पड़ जाए, जिससे 1, 2 क्वेश्चन पूछे, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपके पास टाइम है, उतना तैयार है, तभी उस पर जंप कीजिएगा, अदरवाइज उसे लीव कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपका आता है सामान्य ज्ञान और सामायिक घटनाएँ। इसमें जो है ये करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें दे भी दिया है। ठीक है, अभी तक जो 6 महीने की घटनाएं हैं या 1 साल तक की भी जनरली पूछ लेते हैं जो घटनाएं हैं, इसमें सामाजिक जो घटनाएं हैं आपके, अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं स्थान, ठीक है, प्रदेशिक संबंधित स्थान। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाते हैं, कहीं अभ्यारण पूछेगा, कहीं नदी पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा, तो इसको आप ध्यान से रखें। और व्यक्तित्व भी हैं, और देखो रचनाएँ भी, टीटी में काफ़ी रचनाएँ आपकी बार आ गई थी, तो उन पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, और जो यहाँ के व्यक्तित्व हैं उनको भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, जो आपके खेल हैं पुरस्कार हैं, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन बनेगा, और कला संस्कृति पर भी क्वेश्चन बनेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपको समसामायिक घटना में केवल समसामायिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन समसामायिक से मिला हुआ जो है इसके जो है पुरस्कार खेत, अब भारतीय कला संस्कृति ये कोई समसामायिक नहीं होती है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उनसे रिलेटेड लेकिन करंट के ही बनाने का प्रयास होगा। मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है 30 क्वेश्चन, यानी हमारी हाई मार्किंग। अब देखिए पूरा मनोविज्ञान शिक्षण कौशल एक विषय पढ़ने से हमें 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है,
आप चाहे उसमें 15 दिन लगा दीजिए, 20 दिन लगा दीजिए, लेकिन सामान्य ज्ञान, खेल पुरस्कार और ये, इनमें हमें 30 नंबर मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा और ये कम समय में तैयार हो जाएगा। इसमें स्कोर आपको करना है 25 से ऊपर जाइए लेकर के, सफलता की गारंटी के लिए, और वो पहुंच जाएंगे आप आसानी से, क्योंकि करंट कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या आता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैंने बताई है कि कैसे आप इसको स्ट्रेटजी फॉलो करें और जो है इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएं, मैं इसमें आपको बताऊंगा। ये था विश्लेषण आपका जो सिलेबस है, मैंने उसे पूरा बताया कि क्या क्या आया है, कैसे कैसे आपको करना है, इसको एक बार ध्यान से देख लें और जो है आपको है। और आप देखिए तार्किक ज्ञान है, यानी आपके रीजनिंग क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन केवल 5 नंबर का है, 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन, और चैप्टर आप देख लीजिए, एनालॉजी, एसेशन एंड रीजन यानी कथन और कारण, बाइनरी लॉजिक भी है, क्लासिफिकेशन भी है, क्लॉक एंड कैलेंडर भी है, घड़ी का कैलेंडर का भी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग तो है ही है, हैं क्यूब है, ठीक है, पजल भी है, पजल क्वेश्चन सिंबल वाले तो आएंगे ही आएंगे, वेन डायग्राम का भी है, और डाइस भी है आपका यानी पासा भी है, और डाटा इंटरप्रिटेशन भी है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी है कि राम बाएं ओर चला कि दाएं मुड़ा, फिर कैसे, इसका मेरा एक वीडियो पहले ही बना के डाला हुआ है, उसको आप देख लें, डायरेक्शन से संबंधित है, और जो है नया वीडियो में मैंने बना रखा है उसको मैं डालने वाला हूँ, आप सब्सक्राइब करें, वो भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बनाया है, हैं ये आपका लेटर सीरीज भी है, यानी इतना सारा, यानी लगभग लगभग पूरा आपका रीजनिंग है, अब केवल 5 प्रश्न हैं, इसलिए इसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपके 3 से 4 नंबर आ जाएं, वैसे आने को इसमें आपके 5 के 5 आ जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि सबकी रीजनिंग पढ़ी हुई है, ठीक है, एक बार इसको रिवीजन करने की बस ज़रूरत है कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे गलती ना हो, ठीक है। तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है रीजनिंग का, वो मैं डालूंगा, वो आपको उसमें देख लीजिएगा कि कैसे कैसे, चूँकि इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, देखने के लिए, वो कैलेंडर में हो, क्लॉक में हो, पजल में हो, लेटर सीरीज में और डाइस में, खासकर डाइस में तो पूरा ट्रिक से ही बेस चलता है, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी निकल जाए, मेन चीज़ ये भी है कि हमें जल्दी हल होना है ताकि हम मैथ वगैरह के लिए समय निकाल पाएँ, लेकिन 5 नंबर का ही है तो 5 नंबर की औकात का ही इसे टाइम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए सूचना तकनीक पे आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी जितना रीजनिंग उतना इसका 5 क्वेश्चन, तो इसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड ही आएगा, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स कौन से हैं आपके, डिजिटल सामग्री, शिक्षण सामग्री के उपयोग के बारे में, खासकर देखिए इसमें इंटरनेट, फ़ोन और प्रोजेक्टर, मतलब जो भी हमारे जो है एजुकेशन से संबंधित, जो भी एजुकेशन फील्ड में जो जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलनी है, इसकी भी बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत कठिन नहीं है, इसे एक बार भी अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार के और रिवीजन कीजिएगा सूचना तकनीक पर, मेरा एक वीडियो भी इस पे से अलग से है, उसको भी चाहे देख लीजिएगा आप लोग, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो उसमें 5 में से 4 क्वेश्चन की तो 100% आप लोगों का आ जाएगा निश्चित रूप से, और हो सकता है 5 में 5 ही मिल जाएंगे, उसमें इसमें 5 में 5 ही आपको मिलेंगे, इसमें कटेगा नहीं, ये कटने वाला नहीं है क्योंकि इसमें आपका नॉलेज है। अब 10 नंबर में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, ठीक है, ये जो है आपका एजुकेशन का ही पार्ट है, और इसमें व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, ठीक है, कैसा है, सुविधा प्रदाता, अभिनंदनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शन, परामर्शदाता, ये जो है आपकी शिक्षक की भूमिका होती हैं और शिक्षण की भूमिका भी होती हैं, ये संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ठीक है, ये एजुकेशन का ही पार्ट है, इस पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा कैसे फोकस करना है, चूँकि इसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे, ये 10 नंबर का है, यानी हमारी रीजनिंग से दुगना नंबर का है, अगर आप रीजनिंग पे इतना टाइम देते हैं तो दुगने नंबर का है, मैथ से आधे नंबर का है, जबकि उसमें आपको हो सकता है मैथ में 20 में आपको जो है 17-18 नंबर लाने मुश्किल हो जाए, पर इसमें 10 में 9 नंबर लाना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है। ये था जो विश्लेषण जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये देखना है कि आपके पास 1 महीने का समय है और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, इनके लिए
मैं अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा कितने कितने घंटे आप इसको पढ़िएगा और कौन कौन सी बुक से पढ़िएगा ताकि ऑथेंटिक हो। क्वेश्चन विवादित होते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो। आप ऐसी वैसी पुस्तकों से पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन गलती करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होता है। लेकिन आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है एक महीने में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपको नंबर बहुत ज़्यादा खींचने हैं। टीटी में आपने दिया, आपने देखा कि कितने लोगों के 120 से ऊपर आए हैं, ठीक है, और कितने लोगों के जो है 90-100 के बीच में है। तो आप खुद ही सोच लीजिए आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हैं। एक महीना तक अगर आप स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वालिफाई कैसे करना, स्ट्रेटजी कैसे, ये मेरा अगला वीडियो स्ट्रेटजी का है कि इस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में कैसे सफल हो निश्चित रूप से, उस वीडियो को आप देखिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और लोग भी जो है और लोगों तक पहुँच जाए वीडियो और मेरा मेहनत सफल हो। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।